धनतेरस पर खरीदे गए बर्तनों को अमृत कलश के समान माना जाता है, इसलिए इन बर्तनों को घर में खाली लेकर नहीं आना चाहिए। आइए जानते हैं कि धनतेरस पर खरीदे गए बर्तनों में आप कौन सी शुभ चीजें डालकर घर ला सकते हैं। हर साल कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है और इस साल धनतेरस 22 अक्टूबर और 23 अक्टूबर दोनों दिन मनाया जा रहा है। हालांकि पंडितों का कहना है कि धनतेरस की पूजा 22 अक्टूबर को ही की जानी चाहिए, जबकि खरीदारी दोनों दिन कर सकते हैं। हालांकि लोहे की चीजें, वाहन आदि रविवार को ही खरीदने चाहिए। धनतेरस कब है, क्या शुभ मुहूर्त है, इसको लेकर हमने आपको अलग से वीडियो में जानकारी दी थी। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि धनतेरस के दिन खाली बर्तन लाना अशुभ है और ये तीन चीजें रखकर आप घर में एंट्री कर सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम ही है, धनतेरस के दिन सोना, चांदी, धनिया, झाड़ू और नई वस्तुएं खरीदने का काफी ज्यादा महत्व बताया गया है। कहते हैं कि इस दिन शुभ मुहूर्त में खरीदारी करने से माता लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी और धन कुबेर प्रसन्न होते हैं। धनतेरस पर बहुत से लोग बर्तनों की भी खरीदारी करते हैं। धनतेरस पर खरीदे गए बर्तनों को अमृत कलश के समान माना जाता है, इसलिए इन बर्तनों को घर में खाली लेकर नहीं आना चाहिए। धनतेरस पर खरीदे गए बर्तनों में आप कौन सी शुभ चीजें डालकर ला सकते हैं, उनमें पहला है जल। धनतेरस के दिन अगर आप कोई बर्तन वगैरह खरीद रहे हैं तो उसमें जल भरकर घर ला सकते हैं। सनातन धर्म में जल का विशेष महत्व बताया गया है। जल सृष्टि के पंच तत्वों में से एक है और इसे देवता के रूप में स्वीकार किया गया है। आप बर्तन में जल भरने के बाद उसमें थोड़ा सा गंगा जल भी मिला सकते हैं। इसके अलावा धनतेरस पर खरीदे गए बर्तनों में आप शहद या दूध भरकर भी ला सकते हैं। धनतेरस के बर्तन में अगर आप 7 प्रकार के अनाज लेकर आए तो ये और भी शुभ बताया गया है। इस बर्तन में आप जो सफेद तिल, धान, गेहूं, काला चना, मूंग या मसूर दाल भी लेकर आ सकते हैं। ये अनाज देवी देवताओं को भी चढ़ाया जाता है और इनके प्रयोग से बना प्रसाद श्रद्धालुओं को भी वितरित किया जाता है। वही आपको बता दें कि धनतेरस पर आपको इस तरह के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। धनतेरस के दिन स्टील या प्लास्टिक के बर्तन खरीदने से बचना चाहिए। इसकी जगह आपको पीतल या किसी शुद्ध धातु से बने बर्तन ही खरीदने चाहिए। स्टील को लोहे और कार्बन के मिश्रण से बनाया जाता है, इसलिए ये एक अशुद्ध धातु बताई गई है, जिसे धनतेरस पर घर लाने से बचना चाहिए। इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। हर तरह की ताजा जानकारियों के लेटेस्ट अपडेट के लिए माय स्मार्ट गाइड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।